अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टमाटर की पनीरी या सीडलिंग कैसे लगाई जाती है ये समझाऊंगा। सबसे पहले जिस गमले में आपने पनीरी लगानी है उस गमले में आप मिट्टी भर लें और मिट्टी को गमले में भरने के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ की मदद से ऊपर से दबा दें ताकि उसकी सतह हमवार हो जाए। उसके बाद आप जो भी आपने बीज लगाना है, जैसे कि हम टमाटर लगा रहे हैं, तो उस बीज आप गमले के ऊपर डाल दें। अब इस बात का ख्याल रखें कि बीज सारे का सारा बीज एक ही जगह पर ना गिरे। कोशिश करें कि उसको पूरे गमले की सतह के ऊपर बराबर मिकदार में फैला दें।
बीज को गमले के ऊपर डालने के बाद आपको इसको कवर करना है किसी तरह, ताकि बीज कोई परिंदे या कोई ऐसी चीज़ या हवा से उड़ ना जाए। तो उसके लिए हम नारियल का बुरादा और खुश्क पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों को मिक्स कर लें और इसकी हल्की सी लेयर बीज के ऊपर डाल दें। अगर ये आपके पास मौजूद नहीं है तो आप खुश्क पत्ता और गोबर भी मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ये भी मौजूद नहीं है तो आप मिट्टी की बिल्कुल एक पतली सी लेयर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं बीज को कवर करने के लिए। आपने सिर्फ बिल्कुल हल्की सी लेयर इस्तेमाल करनी है, ताकि ना तो बीज इसके नीचे ज़्यादा दब जाए, और लेकिन ये है कि ऊपर से नज़र ना आए तो बेहतर है, नहीं तो वो कोई परिंदे या कोई ऐसी चीज़ उसको खा भी सकती है। कोशिश करेंगे पानी हमेशा बीज को और छोटी पनीरी को शावर से लगाएं, ख़ास तौर पर बीजों को, क्योंकि पाइप से पानी लगाने से चूँकि उसका प्रेशर होता है, तो उस वजह से बीज बाज़ुगाद मिट्टी के साथ गमले से बाहर भी आ जाता है या वो अपनी जगह से हिल जाता है, तो वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं होता। और एक फ़ायदा जो ये कवर करने का ये भी होता है कि बीज को दोनों तरफ से नमी मिलती रहती है और हरारत भी मिलती रहती है, जिससे वो ग्रो जल्दी कर जाता है। और पानी आप शावर की मदद से लगाएं, पाइप से आप लगाएंगे तो वो सही नहीं लगेगा, वो ख़राब भी हो सकता है। और इस बात का, जब तक बीज उग नहीं जाता, आप इस बात का ख्याल रखें कि जो ये ऊपर लेयर है ये ज़्यादा खुश्क ना हो, ये नम रहे, और उसी तरह फिर उसी मकदार में आप इसको देख के पानी लगाते रहें। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, मुझे उम्मीद है कि आपको इसे मालूमात मिली होगी और आपको बीज लगाने में आसानी पैदा होगी।